नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप अनकट देख रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी तब भी विपक्ष सवाल उठा रहा था, अब लगवा ली है तब भी सवाल उठा रहा है। पीएम मोदी भी सोच ही रहे होंगे कि हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लेकिन प्रधानमंत्री तो खुद ही कहते हैं वाह मोदी जी वाह वाह वाह। और सच में अब तो वाह मोदी जी वाह होने लगा है। सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष भी इफ और बट के साथ दबी जुबान से ही सही पीएम मोदी की तारीफ करने लगा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पीएम मोदी ने कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज ले ली है और खुद ट्विटर पर इसका ऐलान भी किया है, और वैक्सीन भी उस भारत बायोटेक वाली लगवाई है जिस पर सबसे ज्यादा सवाल पिछले महीने उठ रहे थे। 1 मार्च की सुबह जब लोग नींद से जागे और अपने फोन की ओर भागे तो पहली खबर यही दिखी कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत बायोटेक की वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। इसके बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ओडिशा सीएम नवीन पटनायक और शरद पवार जैसे दिग्गज नेताओं की भी वैक्सीन लगवाते तस्वीरें खबरों से लेकर सोशल मीडिया तक छाने लगी। ऐसा होना स्वाभाविक भी था क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से पहले से ही यह ऐलान किया गया था कि 1 मार्च 2021 से कोरोना वैक्सीनेशन का सेकेंड फेज शुरू होगा। इसमें 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को और 45 साल से ज़्यादा उम्र के उन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है और उन्हें कोरोना का ज़्यादा खतरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद वैक्सीन लगवाकर सेकेंड फेज के टीकाकरण की शुरुआत की और इसके साथ ही विपक्ष के उस सवाल का जवाब भी दे दिया कि अगर वैक्सीन सुरक्षित है तो प्रधानमंत्री मोदी खुद टीका क्यों नहीं लगवाते। लेकिन विपक्ष का काम ही है सत्ता से सवाल करना, तो वो शुरू हो गया और सवाल हुआ प्रधानमंत्री की पोशाक पर जो उन्होंने वैक्सीन लगवाते हुए पहनी थी। एम्स में वैक्सीनेशन के दौरान पीएम मोदी के कंधे पर जो गमछा था वो असम का था। उन्हें एम्स की जिस नर्स पी निवेदा ने टीका लगाया है वो पुडुचेरी की रहने वाली हैं। साथ में खड़ी दूसरी नर्स रोसम्मा अनिल हैं जो केरल की रहने वाली हैं। इस मुद्दे पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की है और इसे चुनाव से जोड़ दिया है। नरेंद्र मोदी जी एक गुड कम्युनिकेटर है, जो काम उन करते हैं हर काम में एक संदेश भेजते हैं। तो आज जब वैक्सीनेशन की ये छवि मेरे पास आए तो मैंने देखा कि उन्होंने एक गमछा पहने हैं और केरल और तमिलनाडु की नर्स को भी उन मदद ले रहे हैं। तो मैंने संयोग से, ऐसा नहीं, मैंने सोचा कि ये संयोग से देखो तीन स्टेट में चुनाव हो रहे हैं और तीन स्टेट के साथ मोदी जी का आज की जो उनका वैक्सीनेशन इसके साथ संयोग से कोई जुड़ा हुआ लगता है। बाकी तो 1 मार्च से कोविड वैक्सीनेशन का सेकेंड फेज शुरू हो ही गया है। अगर आप भी 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं या फिर 45 साल से ज्यादा उम्र के हैं और कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको भी वैक्सीन लगेगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और इसके लिए कोविन 2.0 ऐप या आरोग्य सेतु ऐप या कोविन पोर्टल पर आपको खुद से रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान आप अपने नज़दीकी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल को चुन सकते हैं। सरकारी अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन फ्री में लगेगी जबकि प्राइवेट में एक डोज की कीमत ₹250 चुकानी होगी। रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है तो सिर्फ उम्र का सर्टिफिकेट लगाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 45 से 59 साल के बीच है तो आपको अपनी गंभीर बीमारी का सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा, तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके मोबाइल पर वैक्सीनेशन सेंटर की डिटेल और टाइम का मैसेज आ जाएगा। एक मोबाइल नंबर पर अधिकतम 4 लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप मोबाइल या ऐप फ्रेंडली नहीं हैं और फिर भी आप टीका लगवाने के पात्र हैं तो आप किसी भी कोविड टीकाकरण केंद्र पर जा सकते हैं, वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वहाँ से आपको तारीख और वक्त बता दिया जाएगा, साथ ही सेंटर के बारे में भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। बाकी तो आपको याद ही होगा कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से हुई थी। 16 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक देने की शुरुआत हुई थी। 2 फरवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीकाकरण में शामिल किया गया था और अब 1 मार्च से 60 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों और 45 साल से 59 साल के बीच के ऐसे लोगों को टीका लग रहा है जिन्हें कोई दूसरी बीमारी है। 1 मार्च तक देश में टीकाकरण की स्थिति ये है कि करीब 1.5 करोड़ टीका लगाया जा चुका है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक करीब 1.2 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है जबकि करीब 25 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी दे दी जा चुकी है। तो आप भी जाइए और वैक्सीन लगवाइए। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।